हेलो व्यूवर्स वेलकम टू आवर चैनल किड्स इंग्लिश गुरु आज हम आपको कुछ सेंटेंसेस बताएंगे जो कि आप अपने किड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं ताकि वो इन्हें सुनकर इंग्लिश समझ सकें और सीख सकें अगर आप बचपन से ही उनके साथ इंग्लिश में बात करेंगे तो फिर वो आसानी से भाषा समझने लगेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ सिंपल सेंटेंसेस है मैं बाजार जा रही हूँ दोनों आपस में लड़ाई मत करना आई एम गोइंग टू द मार्केट डोंट फाइट विद ईच अदर बाजार जा रही हूं आई एम गोइंग टू द मार्केट पहले अपना होमवर्क खत्म करो फिर जाना खेल फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट एंड देन गो टू प्ले स्कूल में टिफिन पूरा खत्म किया करो फिनिश होल टिफिन इन स्कूल पूरा को होल कहते हैं इंग्लिश में डब्ल्यू एच ओ एल ई जो कपड़े गंदे हैं लाओ मुझे दे दो ब्रिंग मी क्लोथ्स आर डर्टी गंदे मतलब डटी ये लो फोन मौसी से बात करो टेक दिस फोन एंड टॉक टू आंटी या मौसी भी आप कह सकते टीवी दूर से देखो वरना आंखें खराब हो जाएंगी वॉच टीवी फ्रॉम अ डिस्टेंस दूर से देखो और एज द आईज विल गेट वॉट्स आंखें खराब हो जाएंगी वॉट्स बैट का तुम्हारा दोस्त राहुल आया है योर फ्रेंड राहुल हैज कम दुकान से बिस्किट लेकर आओ गेट अ बिस्किट फ्रॉम द शॉप पापा को बोलो कि खाना बन गया है टेल फादर दैट फूड इज कुक्ड खाना तैयार है अगर होगा तो फूड इज रेडी कल तुम्हारी छुट्टी है क्या इज योर हॉलीडे टूमोरो आज खाने में क्या बनाऊं? वट शुड आई प्रिपेयर फॉर फूड टूडे जो सामान में से पैसे बचे हैं वो कहां है Where इज द मनी लेफ्ट ओवर फ्रॉम द गुड सामान को गुड्स कहते हैं इंग्लिश में तो सेंटेंस होगा वेर इज द मनी लेफ्ट ओवर फ्रॉम द गुड्स जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ गेट रेडी फॉर स्कूल क्विकली जल्दी से मतलब क्विकली अब आप कई बार कहते हैं दूध पीने से शक्ति बढ़ती है इंग्लिश में कहेंगे ड्रिंकिंग मिल्क इंक्रीजेज स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ आंटी को नमस्ते बोलो से हेलो टू आंटी आज शाम को हम सब घूमने जाएंगे घूमने मतलब वॉक पे जाएंगे इस टाइप का सेंटेंस है दिस इवनिंग वी विल ऑल गो फॉर अ वॉक दादाजी बुला रहे हैं तुम्हें जाओ उनके साथ बैठो ग्रैंड पा इज कॉलिंग यू गो सिट विथ हिम आज तुम्हारा मनपसंद राजमा चावल बना है योर ज्यादा गेम मत खेलो वरना फोन खराब हो जाए डू तो नॉट प्ले टू मच और हेल्थ द फोन विल बी डैमेज आखिरी सेंटर से चुपचाप सो जाओ हल्ला मत करो साइलेंटली डोंट मेक नॉइस तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जिन्हें आप इंग्लिश में यूज कर कर अपने किच्च के साथ बोल सकते हैं ताकि वो इसे सुने और सीख सकें और समझ सके इंग्लिश सीखने के लिए आसपास का माहौल होना बहुत जरूरी है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके किड्स बचपन से इंग्लिश सीख पाए तो आपको उन्हें इस तरीके का एनवायरनमेंट देना होगा तो आप ये सेंटेंस उनके साथ अगर इंग्लिश में कहेंगे तो वो इन्हें सुनकर सीख सकेंगे और जवाब दे पाएंगे तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे ही नई वीडियोस के साथ जल्द मुलाकात होगी तब तक के लिए थैंक यू गुड बाय